नमस्ते दोस्तों, जैसे अपन लास्ट के दो वीडियो में एक में अपन ने नाउन पढ़ा था और इसमें एक में एडजेक्टिव की पहचान की थी। अब वो भी एकदम बिल्कुल साधारण ट्रिक के माध्यम से अपन ने नाउन और एडजेक्टिव की पहचान की। अब उसी तरीके से अपन एक और कोई कंसेप्ट किसी ट्रिक के माध्यम से वर्ब की पहचान करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि इसमें किसकी पहचान करेंगे, वर्ब की पहचान करेंगे। देखिए, वर्ब की पहचान करते हैं जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ब का मतलब वर्ब की पहचान। जिन वर्ड के अंत में आईएनजी अथवा ईडी एक्सेप्ट हो वह वर्ड मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, जिन वर्ड के अंत में आईएनजी अथवा ईडी एक्सेप्ट हो वह वर्ड मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वह वर्ड आईएनजी अथवा ईडी दोनों को एक्सेप्ट करे वह कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने के लिए कम से कम दोनों में से एक को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे एक शर्त यह है कि अगर उसको मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनना है तो वो आईएनजी अथवा ईडी में से एक वर्ड को ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। देखिए, एक नोट लिखा हुआ, यहाँ पे नोट देखिए, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ करने व होने का सेंस आता है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका सेंस आता है? करने व होने का सेंस आता है। और अपन ये स्टार्टिंग से पढ़ते भी आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो भी वह अगर वर्ब होगा तो वह करने व होने का सेंस देगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्रिएट का मतलब रचना करना, न कि रचना। क्रिएट का मतलब क्या होता है? रचना करना होता है। वैसे ही सक्सीड का मतलब सफल होना, न कि सफल। सफल तो सक्सेस का अर्थ होता है। सक्सीड और सक्सेस और सक्सीड में बहुत फर्क होता है। सक्सेस नाउन होता है और सक्सीड क्या होता है? वर्ब होता है। जैसे अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से पहले मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूं। जो भी वर्ड अपने अंत में या तो आईएनजी को एक्सेप्ट करे या फिर ईडी को एक्सेप्ट करे तो वो क्या बन जाएगा? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। क्लियर? देखिए, अब नेक्स्ट देखिए, जैसे कट है, इसमें अपन थोड़ा सा लगा के प्रैक्टिस करते हैं, ऐड करके आईएनजी तथा ईडी ऐड करके अपन देखते हैं। जैसे कट होता है, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये कटिंग। बताओ, कट में आईएनजी लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो कट में आईएनजी लगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये ईडी को एक्सेप्ट करे, आईएनजी को एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या बन गया? मैन वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा, क्योंकि कट ईडी एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि कट की तीनों फॉर्म क्या होती है? सेम होती है। कट कट कट, तीनों क्या होती है? सेम होती है। ऐसे ही देखिए, रीड देखिए, रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना, पढ़ाई करना का रीड होता है। तो देखो, रीड में लगाइए आईएनजी लगाओगे तो रीड में आईएनजी लगाओगे तो क्या बन जाएगा? रीडिंग। बताओ, रीडिंग बोलते हैं कि नहीं बोलते? अपन जनरल भी बोलते हैं, रीड को रीडिंग बोलते हैं। जैसे ही प्ले को, प्ले को क्या बोलेंगे? प्लेइंग। जनरल में बताओ, प्ले को प्लेइंग बोलते हैं कि नहीं होते? और ये तो देखो, ईडी भी एक्सेप्ट कर रहा है। मैंने पहले भी बताया है कि वो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आईएनजी और ईडी दोनों को एक्सेप्ट करे, दोनों में से सिर्फ एक को एक्सेप्ट कर ले तो वो क्या बन जाएगा? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा वर्ड है जो न तो आईएनजी को एक्सेप्ट कर रहा है और न ही किसको? ईडी को एक्सेप्ट कर रहा है। अगर वो आईएनजी और ईडी दोनों को ही एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो कभी भी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं रहेगा। बस इन दोनों में से एक शर्त को फॉलो करना ज़रूरी है। अब देखिए, थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे क्राई होता है, तो क्राई में आईएनजी लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? क्राई में आईएनजी लगाओगे तो क्या बन जाएगा? क्राइंग। सेम ऐसे ही, और अगर उसमें ईडी लगाओगे तो क्या बन जाएगा? क्राइड बन जाएगा। ऐसे ही बुक में आईएनजी लगाइए, बताओ क्या बनेगा? बुकिंग। और बुक में ईडी लगाओगे तो क्या हो जाएगा? बुक्ड। अपन यूज भी करते हैं, जैसे कहीं अपन को ट्रेवल करना होता है, कहीं पे जाना होता है तो अपन क्या बोलते हैं? टिकट क्या हो गई है? बुक हो गई है। तो उसमें देखो, बुक में ईडी भी लगता है, बुक्ड भी। जैसे सिट, सिट है, सिट में आईएनजी लगा के देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। सिट में आईएनजी लगा के देखोगे तो सिटिंग, सिटिंग बनता है। इसका मतलब इसमें भी क्या आ रहा है? आईएनजी आ रहा है। इसका मतलब ये मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे ही वास होता है, वास में आईएनजी लगा के देखोगे तो क्या बनता है? वाशिंग बनता है। क्या बनता है? वाशिंग बनता है। तो वास में भी आईएनजी भी लग रहा है और वास में ईडी लगाओगे तो क्या बन जाएगा? वास्ट बन जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट देखिए, गो है, तो गो में बताओ आईएनजी लगा के देखेंगे तो क्या बन जाएगा? गोइंग। लेकिन ये गो, गो के बाद में ईडी नहीं लगता, क्योंकि इसकी वर्ब थर्ड क्या होती है? गोन होती है।
गवर्न होती है, लेकिन दोनों में से एक अपन को ये चेक करना है, जिस भी वर्ड के अंत में आईएनजी आईडी में से एक भी अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। वैसे ही जैसे अब ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड में आईएनजी लगाओगे तो क्या बन जाएगा, रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड में आईएनजी लगाओगे तो आईएनजी लगाते ही क्या बन जाएगा, रिकॉर्डिंग। इसका मतलब ये मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। ऐसे ही अगर रिकॉर्ड में ईडी लगाओगे तो ये रिकॉर्डेड भी होता है। ऐसे ही सेव में आईएनजी लगाओगे तो क्या बन जाएगा, सेविंग, सेविंग होती है कि नहीं होती, हमारी सेविंग तुम्हारी सेविंग, सेविंग्स भी होती है, और सेव में आईएनजी लगाओगे तो भी क्या बन जाएगा, सेव्ड बन जाएगा। देखो अब इसमें देखो ये ईडी भी एक्सेप्ट कर रहा है, सेव में आईएनजी लगा, ईडी लगाने से क्या बन जाता है, सेव्ड। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड और सेकंड दोनों का कार्य कर सकती है। जैसे ही एक इफेक्ट अपन ने जब लास्ट अपन वीडियो नाउन का वीडियो पढ़ा था तो उसमें एक इफेक्ट पढ़ा था और एक अफेक्ट पढ़ा था, उसमें इफेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। उसमें इफेक्ट अपन ने नाउन की पहचान कैसे की थी, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, तुम्हारा व्हाट, तुम्हारा इफेक्ट, ऐसे ही अपन ने वहां पे नाउन की पहचान की थी। लेकिन मैंने वहां पे भी आपको बताया था कि इसमें एक कॉमन है, ई को अगर ए में चेंज कर देंगे तो क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है, और अफेक्ट क्या बन गया, वर्ब। और अफेक्ट में आईएनजी लगा के देखिए, अफेक्टिंग भी होता है, और अफेक्ट में ईडी लगा के देखिए, अफेक्ट में अगर ईडी लगाओगे तो ये क्या बन जाता है, अफेक्टेड भी बनता है, अफेक्टेड भी बनता है। अब देखिए अपन इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस और कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस और करेंगे। जैसे अट्रैक्ट में आईएनजी लगाओगे तो क्या बनेगा, अट्रैक्टिंग, और अट्रैक्ट में ईडी लगाओगे तो क्या बन जाएगा, अट्रैक्टेड। ऐसे ही देखिए जैसे अपन इंटरेस्ट, फ्लाई है, फ्लाई में आईएनजी लगाओगे तो क्या बन जाएगा, फ्लाइंग। वैसे ही इंटरेस्ट में आईएनजी लगाओगे तो क्या बनेगा, इंटरेस्टिंग, और इंटरेस्ट में ईडी लगाओगे तो क्या बन जाएगा, इंटरेस्टेड बन जाएगा। जैसे अटेंड है, अटेंड में आईएनजी लगाओगे तो क्या बन जाएगा, अटेंडिंग, और अटेंड में ईडी लगाओगे तो क्या बन जाएगा, अटेंडेड बन जाएगा। ऐसे ही सेल होता है, सेल में आईएनजी लगाओगे तो क्या बन जाता है, सेलिंग। ऐसे ही स्पीक में आईएनजी लगाओगे तो क्या बन जाएगा, स्पीकिंग। और वैसे ही अगर मूव में आईएनजी लगाओगे तो क्या बन जाएगा, मूविंग बन जाएगा। देखिए जैसे अपन ने वर्ब की पहचान की है, मेरे हिसाब से सबका डाउट एकदम से क्लियर हो गया होगा। आज के बाद अपन जिस भी वर्ड को अपन चेक करना है और ये वर्ब है कि नहीं है, तो एक बेसिक कंसेप्ट अपने पास अपन को मिल गया कि उसमें या तो आईएनजी लगा के देखेंगे या फिर क्या लगा के देखेंगे, ईडी लगा के देखेंगे। जैसे ही अपन ने नाउन की पहचान की थी तो उसमें क्या लगाया था, तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, उससे जो भी वर्ड मैच हुआ था तो क्या बन गया था, वो नाउन बन गया था। फिर अपन ने नेक्स्ट वीडियो में देखा एडजेक्टिव की पहचान की थी, तो एडजेक्टिव की पहचान की थी तो कैसे की थी, तुम गुड हो, तुम बैड हो, जो भी तुम गुड हो, तुम वर्ड से मैच हुआ तो क्या बन गया था, एडजेक्टिव बन गया था। और आज के वीडियो में अपन ने देखा जो भी वर्ड आईएनजी और ईडी, आईएनजी और ईडी को एक्सेप्ट करता है तो क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है। अब अपन थोड़ा सा आगे अगर सही तरीके से चलता रहा तो अपन आगे के वीडियो के अंदर, अब अपने अलग अलग वर्ड्स तो देख लिए, अपन ने नाउन भी देख लिया, एडजेक्टिव भी देख लिया और वर्ब भी देख लिया, लेकिन अब अपन को तो अपन एक एक सिंगल वर्ड को चेक कर लिया। लेकिन अगर आपके सामने एक वर्ड दे दिया जाए और फिर आपको बोला जाए इसकी वर्ब फॉर्म क्या रहेगी, एडजेक्टिव फॉर्म क्या रहेगी या फिर नाउन फॉर्म क्या रहेगी, इसके लिए अपन थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद।